नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है। स्वागत करते हैं रैप एग्ज़ाम के 10वें भाग में, सारे प्रश्न उत्तरों के साथ जो रैप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सीएससी के माध्यम से रैप एग्ज़ाम होता है और वो इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं, तो अगर आप पास करना चाहते हैं तो इसको पूरा देखिए। इसके एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा पहला प्रश्न, जीवन बीमा व्यवसाय का भारत में डैश वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। भारत में व्यापार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता निवेश करेगा और हर समय अपने फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर में डैश की धुन में निवेशित करेगा 15%। आज भारतीय सामान्य बीमा निगम एक डैश है, पुनः बीमाकर्ता। बीमा से समाज कैसे लाभान्वित होता है। उपयुक्त सभी बड़े उद्योग व्यापार और संपत्ति के लिए जोखिम का कवरेज, प्रकृति के जोखिम को कवर करने के लिए फसल बीमा या स्वास्थ्य बीमा। हम लोग सीसी में ड्राइविंग लाइसेंस आपका किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एंड्रॉयड या विंडोज प्रॉब्लम या कोई बिजनेस संबंधित कोई भी समस्या नहीं चिकॉन करके पूछ सकते हैं। 400 घरों में प्रत्येक का मूल्य 20,000, औसतन 4 घर हर साल जल जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप रुपये का संयुक्त नुकसान होता है 80,000 रुपये। इस नुकसान को अच्छा करने के लिए प्रत्येक घर के मालिक का वार्षिक योगदान कितना होना चाहिए, 200 रुपये। बीमा व्यवसाय डैश की सुरक्षा से संबंधित है। उपयुक्त तीनों में से कोई भी, यानी मानव जीवन मूल्य, मानव निर्मित संपत्ति, व्यावसायिक दायित्व। कार्यपालक मुआवजा अधिनियम 1930 डैश प्रदान करता है। ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नियुक्ता की देता केट अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थे। इंश्योर्ड अमाउंट फॉर फाइनेंशियल डिसेबिलिटीज 2,00,000 रुपये। एक चोरी बीमा अनुबंध में निम्नलिखित विवरण एक सामग्री तथ्यों का गठन करता है और इसका खुलासा किया जाना आवश्यक है। तीनों के ऊपर के तीनों, स्टॉक की प्रकृति, स्टॉक का मूल्य, सुरक्षा सावधानियों के प्रकार। समुद्री बीमा में बीमा योग्य ब्याज डैश के समय मौजूद होना चाहिए, हानि और दावे के समय। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किसी बीमित व्यक्ति को हानि से लाभ कमाने से रोकता है, क्षतिपूर्ति। बीमा योग्य ब्याज की अनुपस्थिति में बीमा की नीति डैश बन जाती है, एक वेजरिंग अनुबंध। जीवन बीमा के एक प्रस्ताव में, राम जो पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से पीड़ित हैं अपनी बीमारी का खुलासा नहीं करते हैं। पॉलिसी के दूसरे वर्ष में उनकी मृत्यु पर जब मृत्यु का दावा उठता है और बीमाकर्ता को बीमारी का पता चलता है तो वह डैश डेथ क्लेम को अस्वीकार कर सकता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत तब लागू होता है जब बीमाकृत विषय वस्तु के निश्चित मूल्य का पता लगाने की संभावना होती है। इस तरह हम डैश का दावा नहीं कर सकते, एक मानव जीवन का मूल्य। समुद्री बीमा का अर्थ क्या है। उपरोक्त दोनों, यानी समुद्री पतवार, सभी प्रकार के जहाजों नाव आदि पर बीमा अनुबंध, समुद्री माल भूमि या पानी द्वारा और भंडारण के दौरान परागमन के दौरान माल की बीमा अनुबंध। किसी दुर्घटना के कारण व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है, इस नुकसान को डैश खरीद कर अच्छा बनाया जा सकता है। क्या, दुर्घटना बीमा खरीद कर। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डैश को कवर करता है। निर्दिष्ट श्रेणियों में गिरने वाला कोई भी नागरिक को कवर करता है। भारत में किसी भी मोटर वाहन को एक वैध स्थान के बिना सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जा सकता है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर। टर्म इंश्योरेंस उस लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो डैश है। उपयुक्त दोनों श्रेणियां, अभी अपना करियर शुरू किया जाता है या युवा केवल लेकिन कमाए वाले हैं। एक मनी बैक पॉलिसी आवधिक किस्तों में बीमित राशि की वापसी और डैश पर बीमित राशि का संतुलन प्रदान करती हैं। पद का अंत। एक सार्वभौमिक जीवन बीमा मूल्य निर्धारण कारकों के लिए अलग से प्रावधान करती है जो डैश हैं। तीनों कारक, जोखिम कारक, ब्याज कारक और व्यय कारक। पारंपरिक योजनाओं के विपरीत यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान न्यूनतम प्रीमियम के आधार पर
काम करते हैं ना कि डैश पर सम एश्योर्ड आधार पर। जोड़ों या व्यापार भागीदारों द्वारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है और बीमित राशि देय होती है ऊपर में से कोई किसी भी साथी की मृत्यु होने पर चयनित अवधि की समाप्ति पर। मवेशियों की मौत के दावे के लिए निम्नलिखित में से किसी दो द्वारा एक प्रमाणिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। उपरोक्त तीनों में से कोई भी गांव के सरपंच या सहकारी समिति के अध्यक्ष, दुग्ध संग्रह केंद्र का अधिकारी और प्राथमिक विद्यालय का प्रमुख, ग्राम पटवारी और एक DRDA अधिकारी उपरोक्त तीनों में से कोई भी हो सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब धन्यवाद।